मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। लड्डू के बच्चे, देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं कब्र तक पीछा करूंगी तुम्हारा, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। या अल्लाह, जिंदा रहते तो इस घर से मेरी जान छूटेगी नहीं, ये तो जिन से भी ज्यादा खतरनाक है। किसी बाबा से जिन के बजाय बीवी से बचने का तरीका ढूंढना चाहिए। लड्डू, आपने तो डरा ही दिया मुझे, मेरा छोटा सा दिल। ये तुम अकेले में क्या बड़बड़ा रहे थे? कुछ नहीं बड़बड़ा था। अच्छा ठीक है जाओ, जल्दी से मेरे लिए कप चाय बना के लाओ। चाय? हाँ मैं बहुत थक गई हूँ। आप तो सो के उठी है, कैसे थक गई? वो मैं ना ख्वाब देख रही थी कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुम जाओ ना। अच्छा ख्वाब में, ठीक है मैं लेकर आता, जल्दी जाओ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, ये हुई ना बात। क्या बात? अरे शहर में हफ्ते सफाई की मुहिम चल रही है, इस बहाने कम से कम शहर कुछ तो साफ होगा। इस अच्छी बात से ख्याल मुझे भी आ गया, क्यों ना हम भी घर की हफ्ते सफाई कर ले। हाँ हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ठीक है, उठिए शुरू हो जाए आज से। भाई मैं ये कह रही हूँ कि आज से ही सफाई शुरू करें, घर की हर पुरानी से पुरानी चीज को साफ कर डालें आप। तो इसका मकसद है मैं जाके पहले नहा लूं, क्योंकि इस घर की सबसे पुरानी चीज तो मैं ही हूँ। तो पुरानी पुरानी चीजें, मुझे मिला के सभी पुरानी चीजें हैं यार। ये देखो, ये लगता है कि जब से ये गुलदान बना है आज तक साफ नहीं किया किसी ने, मैं कर रहा हूँ साफ। अरे यार होए होए होए, ये देखो। मुझे किसने याद किया? कौन हो भाई तुम? मैं जिन हूँ। जिन के भी हो, पर हो कौन तुम? मैं असली जिन हूँ। आपका एहसान है, आपने इस गुलदान से मुझे आजाद किया। तो ठीक है भाई, तो तुम मुझसे पूछो फिर, क्या हुक्म है मेरे आका? मेरे लिए पानी लेके आओ। पानी लेके? ओए भाई मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम पूछो मुझसे कि क्या हुक्म है मेरे आका। अरे जो कुछ पूछना है बाद में बताना यार। ठीक है तो तुम एक काम करो, मेरे लिए एक घर, नौकर और बहुत सारे पैसे लाओ। इसके लिए आपको जिन की नहीं, इस मंगलर की जरूरत है। अबे भाई यार खामा खाई बहस में पड़ रहा है यार, अरे मेरी ख्वाहिशात पूरी करो। अगर ऐसा कुछ करने की ताकत होती तो मैं खुद को गुलदान से नहीं निकाल लेता। इसका मकसद तुम बिल्कुल बेकार हो, किसी काम के नहीं हो। 5000 साल से इस गुलदान में कैद था, बैटरी चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम? यही कोई 2 महीने। 2 महीने? हो तैयार हो गया, जबरदस्त। मत करो चूल्हा। सही है। ओहो अंडे यहाँ रखे यार। आका। अबे आका नहीं, गुलाम। गुलाम तो मैं हूँ। अरे मेरा नाम गुलाम है यार। अरे आका मुझे भूख लगी है। ओ मेरे नाकारा पुर्जे, ओ भाई कहीं जाके छुप जाओ, यहाँ किसी को नजर ना आओ। आका जब तक मैं ना चाहूँ ना किसी को नजर नहीं आऊंगा। अच्छा
भाई तो एक काम कर, इस घर की किसी औरत को नजर ना आना, क्योंकि जिस तरह तू गुलदान में कैद था ना, ये औरतें हमें मिलके गुलदान में कैद कर देंगी। ठीक है, लेकिन मुझे भूख लगी है। अबे हाँ ना, अबे भाई हाँ, मार देगा क्या हमें जान से? मैं अपने दामाद को बुलाता हूँ, तू उसके सामने हाजिर हो जाना, वो तेरा ये मसला हल कर देगा। लड्डू नहीं, मेरे बर्फी खानी है। अबे बर्फी खा ले ना बावले, मैं अपने दामाद को बुला रहा हूँ, उसका नाम लड्डू है। लड्डू अच्छा हाँ, खाया हुआ है, खाया हुआ है। जी सुसर जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने तो बुलाया, वो किसी से मिलवाना है तुम्हें। किससे मिलवाना है सुसर जी, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाजिर हो जा भाई। ये कौन है सुसर जी, कहाँ से आ गया? मैं चिन्नू। बकरी आया कहाँ से? वो लड्डू बेटा, वो जो गुलदान पड़ा ना मेरा पुराना, उसको मैं रगड़ के साफ कर रहा था ना, तो उसमें से निकल आया जी। लेकिन ये उस गुलदान में घुसा कैसे? अबे इतना सा तो है ये गुलदान, क्या ये तो गुलदान में भी घुस सकता है भाई। बकवास बंद करो, मुझे खाने को दो। तो सर जी कैसा जी नहीं है, जिन तो हुकुम बजा लाते, ये तो हमें हुकुम दे रहा है। अरे ये गैर फाल जिन है। ओह, अरे ऐसा करो, मुझे भूख लग रही है, एक मन दूध पिला दो। एक मन? क्या पूरी गाय खाली कर दे? नहीं मैं दूध दूंगा। अच्छा ना, अच्छा अच्छा, शोर नहीं कर, शोर नहीं कर, लड्डू कुछ करता है, करता है। कुछ कर, कुछ कर, अरे ना कर यार, क्यों डराता है मैं, वो समझ रहा है खा जाएगा तू उसे। आई तेरी की, ओ तेरी की, अरे भाई, ओ तेरी की भाई, ओ भाई, ओ भाई। लड्डू जल्दी आ, खीरे का दुश्मन, अबे ये खीरे का दुश्मन है भाई। अजीन भाई, अच्छा बस मैंने को लतीफा ने सुनाया यार। लड्डू ये पता कि तू एक मन दूध लाया कहाँ से? सुसर जी दूध तो मैं 1 किलो लेकर आया था, बाकी मैंने उसमें चूने का पानी मिला दिया ना। अबे मुझे मालूम था जब ये काम तुझे दिया था मैंने। अच्छा ये बता, तू कहाँ गायब हो गया था? अरे सुसर जी छोड़े ना, जान छूटी। तू कहाँ गायब हो गया था भाई? हम परेशान हो गए थे। परेशानी है खुशी कि जान छूटी। वैसे जिन भाई ये तुम्हें कैसे पता? आका आप भूल गए कि मैं जिन हूँ, सब मालूम है मुझे। अब मैं सोना चाहता हूँ। सो जा मेरे लाल, सुबह उठ के तेरा स्कूल में एडमिशन भी तो करवाना है। अबे कैसा जिन है यार, तू हर वक्त सोता ही रहता है। काफी अरसे मैं गुलदान में सोते सोते मेरी टांगे अकड़ गई। हैं? तो क्या अब इस फिसल पट्टी पे सोएगा? हैं? फिर कहीं गायब हो गया? अब कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। भैया वाह, अरे रे रे रे, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या हो गया लड्डू, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैंने आपसे नहीं पूछा। झूठ बोल रहे हो, मेरे अलावा कौन है यहाँ पे? कैसे बताऊँ, आपके अलावा भी यहाँ पे कोई? उस्ताद ये लड़की कौन है? अभी तुम्हारी लड्डू, तुम पागल तो नहीं हो गए? भाभी बोल दिया। नहीं मैंने आपसे कहा ही नहीं, मैंने आपको कहा ही नहीं। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ जाके कमरे में आराम करो। नहीं, जाओ लड्डू। मैं कैसे समझाऊं? चलो जी, कौन है यहाँ पे? चलो लड्डू। जी लड्डू। क्या हो रहा है, शर्म करो। क्या हुआ? नहीं बेगम, आपसे तो नहीं कहा मैंने। अरे तो क्या यहाँ हजारों का मजमा है, फिर किससे कह रहे हैं आप? क्या हो रहा है बे, किसी के फोन में नहीं घुसते। गुलाम, ये मेरा फोन है और इस घर की हर चीज मेरी है, इसमें शर्म की क्या बात है भला? नहीं, आपसे नहीं कह रहा मैं बेगम। मुझे लगता है गुलाम की गुलाम आप ऐसा करेंगे, इधर लेट जाए,
आराम कर लें आप। बेगम आपकी तबीयत तो ठीक है, आज आपने जिंदगी पहली मरतबा मुझे आराम करने के लिए कहा। हाँ तो इससे पहले आपका कोई दिमागी मसला मेरे सामने भी तो नहीं आया ना। नहीं नहीं कोई मसला, कोई मसला नहीं है बेगम, कोई मसला। हाँ, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं ना लड्डू को भेजती हूँ आपके लिए चाय लेकर। हाँ सही, गोली में कोई कोई मसला नहीं बेगम कोई। अबे होए मुझे पिटवाएगा? ना कर ना कर। लड्डू, ओ लड्डू। जी मामा। तुम्हारी तबीयत भी खराब है, मैं तो लड्डू को बुला रही हूँ। नहीं ना, लड्डू को पता नहीं क्या हो गया है, सुबह से कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। लड्डू को भी कुछ हो गया है? क्या मतलब? तुम्हारे पापा भी सुबह से अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, बैकी बैकी सी बातें कर रहे हैं कुछ। मामा मुझे लगता है ना कि इन दोनों को आराम की जरूरत है बहुत। मेरे ख्याल से इन्हें आराम की नहीं, किसी डॉक्टर की जरूरत है। अरे अभी ये सब छोड़े, अब शाम तक देखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फिर बुला लेंगे डॉक्टर को। मगर शाम तक होगा क्या हनी? अरे खाना कौन पकाएगा? ये बात भी है। अब हाँ एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं मार्केट, वहाँ करते हैं जाके शॉपिंग, और फिर आते वक्त कुछ खाने को भी ले आएंगे। आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है। हाँ। मगर इन लोगों को अकेले कैसे छोड़ के जाएंगे? क्या मामा आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे लोग पागल हैं, वो भी तीसरे दर्जे के, अकेले नहीं छोड़ सकते इनको। कुछ नहीं होता, छोड़े सब चले मेरे साथ। अरे हनी लगता तो मुझे ऐसा ही है। मामा चले ना भाई, मुझे जाना है बाहर, कुछ खाने को लेकर आते हैं। चलो ठीक है, तुम ऐसा करो कि चाबी लेकर आओ गाड़ी। मैं भी लेकर आती हूं। मैं बैग लेकर आता हूं। मेरी तबीयत खराब है ना, तो पिज्जा बर्गर खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ठीक है मैं लेके आती हूँ। अच्छा सुनो। हाँ? उसके साथ अगर कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो मुझे लगता है मेरे सर का दर्द भी खत्म हो जाएगा। लड्डू तुमको ज्यादा फ्री नहीं हो रही? अरे तुम तो एक मिनट रुको, क्या कर रहे हो, तंग करके रखा मैं? मुझे कुछ खिला दो प्लीज। तो लड्डू लड्डू लड्डू। जी बोले बोले। उसको मत बोलो, मैं जाती हूँ जाके लेके आती हूँ पक्का। जल्दी आइएगा। अच्छा अच्छा चाबी। हाँ आए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। पिज्जा और बर्गर खाऊंगा। अबे मुझे भूख लगी है। अबे यार अबे तुझे किसी ने सजा के तौर पे मेरे पीछे तो नहीं लगा दिया है? आका आप ऐसी बातें ना करें, मैं तो आपका गुलाम हूँ गुलाम। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरा नाम गुलाम है, मैं गुलाम हूँ, आका नहीं हूँ मैं। मुझे भूख लगी है यार, अभी मिल जाएगा खाना, मिल जाएगा, मिल जाएगा खाना, मिल जाएगा। सर फोड़ लूँ अपना यार, मिल जाएगा खाना। गुलाम ये आप अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हैं? मैं मिल जाएगा खाना, कैसे मिल जाएगा? गुलाम आप ऐसा करें कि आराम करें, मैं ना आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेगम ठीक है। आका भूख लगी है। अबे तुझे मैं मार दूंगा गदर दबा कर। आका भूख लगी है। अबे मुझे खा जा। लड्डू ए लड्डू लड्डू। हाय ससुर जी। जी लड्डू यार एक बात है, कुछ भी कहो, इस जिन ने वो कर दिखाया जो मैं आज तक नहीं कर सका। ऐसा क्या कर दिया जिन्ने? अरे भाई आज बेगम ने मुझसे खुद कहा कि आप आराम करें, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। वाकई
आपको पता है ससुर जी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जिंदगी में पहली बार हरी ने मुझ पे रहम किया, तर्स खाया। ओ, वो भी इसलिए कि लोग ये समझते हैं कि हमारे दिमाग खराब हो गए हैं। इनको नहीं पता हम तो जिन से बात कर रहे होते हैं। ये जिन है ना, ये ऐसी नकारा बंदूक की तरह है कि चलती तो नहीं है लेकिन काफी जगह पे काम आ जाती है भाई। ठीक कह रहे हैं ससुर जी, मगर ये जिन है कहाँ? आका, बड़े अफसोस की बात है। बात सुन भाई, आका नहीं हूँ मैं, गुलाम हूँ। कितनी बार कहा मेरा नाम गुलाम है, और अफसोस किस बात का भाई? अपनी बेगमात से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। ओ भाई, वो बेगमात नहीं है, जल्लाद है, जल्लाद। अगर उन्हें पता चल गया तो? अरे भाई, बेगमात से इंसान डरते हैं, आपको किस बात की फिक्र है? भाई, बेगम इंसान की हो या जिन की, डिस्टर्ब तो दोनों ही करती है ना। अच्छा, तुम्हारी भी बेगम है, तो कहाँ है? पता नहीं, और ना ही पता करना है। अच्छा चलिए छोड़े, आप एक काम करें, हमारा सेट एक काम कर दें। क्या? बोलो बोलो। इस पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई कर दें आप, जिन इतना तो कर ही सकते हैं। अरे कर दूंगा, फिक्र ही ना करो। ओए होए होए, अबे अबे इसका पता नहीं था कब चला जाता है, कब आ जाता है। आज मम्मा, मम्मा हम जब घर से जा रहे थे तो घर तो बहुत फैला हुआ था, और अभी इतनी सफाई, ये सब कैसे हुआ? हाँ नहीं, मैं भी यही देख रही हूँ, लगता तो किसी जिन का काम है ना। मतलब घर में तो हम बस चार ही लोग हैं। हम दो तो यहाँ पर हैं और वो लोग, उन दोनों की तबीयत खराब है, फिर किसने किया होगा? अरे सारे सवाल क्या यहीं कर लोगी खड़े खड़े? आओ अंदर चलते हैं, देखते हैं मुहिमा क्या है। चल। बात तो वैसे बड़ी हैरत की है। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। चूहे बिल्ली का है खेल, काश के हो जाए आजाद। ये क्या हो रहा है? लड्डू लड्डू, तुम्हारी तबीयत तो खराब थी ना, और गुलाब आपसे तो उठ के खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। हाँ ऐसा हुआ कि बताता हूँ मैं तुम्हें, बात ही हुई कि यार तुम बताओ। वो घर में जिन आ गया था। शर्म नहीं आती, झूठ में झूठ बोलते जा रहे हो। हद होती है लड्डू, बहुत अफसोस की बात है। बस बस बहुत हो गया आराम, चलिए उठिए फौरन और काम पर लग जाइए, खाना पकाइए, घर साफ कीजिए। और हाँ, वो हफ्ता सफाई वाली बात याद है या नहीं? चलिए, हमने तो सारी सफाई कर दी है, शायद आपने देखी नहीं है। उठ जाइए, जाकर घर के कोने कोने की सफाई करें, यही सजा है आप दोनों की। गुलाम जाओ लड्डू। जी 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 जी। जैसे ही घर से जाओ यहाँ पूरा फंक्शन शुरू हो जाता है। अबे यार लड्डू, ये आजाब कब जाएगा यहाँ से? जिन भाई जिन भाई, हमारी कुछ ख्वाहिशाती पूरी कर दो। थोड़ा आराम कर लूँ, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। और भाई हमारे जीते जी पूरी कर देना यार। ससुर जी, इसकी बेगम होती ना तो इसको हमारे दुख का एहसास होता। ये फिरौन के जमाने के गुलदान कहाँ से आ गए? अबे इसी गुलदान में से तो निकला ये। ससुर जी कितने गंदे हो रहे हैं, मैं साफ ही कर दूँ। अच्छा तू यहाँ बैठा है, तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कौन है? मैं इसकी बेगम हूँ, सारी दुनिया में ढूंढा है, मुझे नहीं मिला ये, आज मिला यहाँ। चल मेरे साथ। अंदर तो नहीं घुस गए क्या ससुर जी? हमारी ख्वाहिशात पूरी होने का वक्त आया तो बेगम बीच में आ गई, वो भी जिंदगी। क्या ससुर जी आप खुश हो रहे? अरे मैं तो इसलिए खुश हो रहा हूँ यार कि हम इंसानों की बेगमात ही ऐसी नहीं होती,
किसी भी मखलूक की बेगम हो वो जालिम होती है। गुलाब मियां तो छोटे मियां बड़े मियां भी है नाशार सहमे सहमे रहते हैं करते रहते हैं फरियाद घर दामाद के घर दामाद घर दामाद के घर दामाद।